सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए नवीनतम कृषि तकनीक को हमारे किसान अपना सकते हैं। इसमें भूमि की तैयारी से लेकर बीजों के चुनाव तक का अहम रोल होता है। इन सभी घटकों के समावेश से किसान सरसों की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। भूमि को किस तरह से किसान तैयार कर सकते हैं, साथ ही बुआई किस समय करनी चाहिए जिससे बेहतर उपज मिल सके, ये सारी बातें तो हो गई। अब बारी आती है सरसों की खेती के लिए बीज दर की। बीज दर बुआई के समय मिट्टी में नमी की मात्रा और किस्म पर निर्भर करती है। पंक्ति में बोई सिंचित फसल के लिए बीज दर 4 किलोग्राम हेक्टेयर पर्याप्त है। सरसों की बुआई विधि इस तरह से है। किसान इसके लिए पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर रखे, साथ ही 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोए। बात अगर पंक्ति की दूरी की करे तो पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर रखे। असिंचित क्षेत्र में बीज की गहराई नमी के अनुसार रखे। किसी भी फसल के लिए उसकी बढ़वार सिंचाई के ऊपर निर्भर करती है। सही समय पर सही मात्रा में सिंचाई करना बेहद जरूरी है। सरसों की खेती के लिए प्रथम सिंचाई 28 से 35 दिनों बाद फूल आने से पहले करें तथा आवश्यकता अनुसार दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिनों बाद फलियां बनते समय करनी चाहिए। जहां पानी की कमी हो या खारा पानी हो, वहां सिर्फ एक ही सिंचाई करना बेहतर रहता है। यदि सिंचाई का पानी क्षारीय है तो पानी की जांच करवाकर उचित मात्रा में जिप्सम और गोबर की खाद का प्रयोग करें। बात अगर कटाई की करें तो 75% फलियां पीली पड़ जाने पर फसल की कटाई कर लेना उचित रहता है। फसल की ज्यादा पैदावार के लिए फसल को कीट और रोगों से बचाना बेहद जरूरी है। सरसों की फसल में भी कीट प्रबंधन की भूमिका बेहद अहम है। सरसों की फसल में लगने वाले दो मुख्य कीट इस प्रकार है, आरा मक्खी और पेंटेड बग चितकबरा कीट। पहला, आरा मक्खी। इस कीट की लटे पत्तियों को तेजी से खाती है जिससे पत्तियों में कई छेद हो जाते हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु मेलाथियन 50 ईसी की 500 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करें। दूसरा, पेंटेड बग चितकबरा कीट। ये एक रस चूसने वाला कीट है जिसके व्यस्क एवं शिशु दोनों ही समूह में एकत्र होकर पौधों से रस चूसकर उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु मेलाथियन 5% या कार्बेरिल 5% चून 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सुबह या शाम को भुरकें।